सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी। तमाम मुसाफिर गाड़ियों को एसओपीज के तहत इजाजत दी गई है। मुसाफिरों के दरमियान 3 फीट का फासला लाजमी होगा। सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी। तमाम मुसाफिर गाड़ियों को एसओपीज के तहत इजाजत दी गई है। आजाद नोडियो हमारे साथ उनसे बात करेंगे। आजाद बताएगा, इजाजत तो दे दी गई है, एसओपीज क्या होंगी? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने बाबा तौर पर इंटरसिटी पब्लिक बस सर्विस शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाबा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इंटरसिटी बस सर्विस पूरे मुल्क में चलना शुरू होगी। उस पर लाजम होगा कि वो ट्रांसपोर्टर सिंध हुकूमत की जो जारी करदा एस ओ पी है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने शहरों से बाहर खासतौर पर लारी अड्डे कायम किए, वहाँ से बस सर्विस शुरू होगी। बस सर्विस को कतई तौर पर शहरों के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कम मुसाफर यानी बस के अंदर 3 फुट का फासला रखा जाएगा और मुसाफर खासतौर पर मास्क पहनने के पाबंद होंगे। इसके साथ साथ मुसाफर गाड़ियों में सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्टर तंजीमों से इत्तफाक करने के बाद में ये बात तौर पर ठीक है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आजाद, इजाजत दी गई है। मुसाफिरों के दरमियान 3 फीट का फासला लाजमी होगा। सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी। तमाम मुसाफिर गाड़ियों को एसओपीज के तहत इजाजत दी गई है। आजाद नोडियो हमारे साथ उनसे बात करेंगे। आजाद बताएगा, इजाजत तो दे दी गई है, एसओपीज क्या होंगी? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने बाबा तौर पर इंटरसिटी पब्लिक बस सर्विस शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाबा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इंटरसिटी बस सर्विस पूरे मुल्क में चलना शुरू होगी। उस पर लाजम होगा कि वो ट्रांसपोर्टर सिंध हुकूमत की जो जारी करदा एस ओ पी है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने शहरों से बाहर खासतौर पर लारी अड्डे कायम किए, वहाँ से बस सर्विस शुरू होगी। बस सर्विस को कतई तौर पर शहरों के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कम मुसाफर यानी बस के अंदर 3 फुट का फासला रखा जाएगा और मुसाफर खासतौर पर मास्क पहनने के पाबंद होंगे। इसके साथ साथ मुसाफर गाड़ियों में सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्टर तंजीमों से इत्तफाक करने के बाद में ये बात तौर पर ठीक है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आजाद, इजाजत दी गई है। मुसाफिरों के दरमियान 3 फीट का फासला लाजमी होगा। सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी। तमाम मुसाफिर गाड़ियों को एसओपीज के तहत इजाजत दी गई है। आजाद नोडियो हमारे साथ उनसे बात करेंगे। आजाद बताएगा, इजाजत तो दे दी गई है, एसओपीज क्या होंगी? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने बाबा तौर पर इंटरसिटी पब्लिक बस सर्विस शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाबा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इंटरसिटी बस सर्विस पूरे मुल्क में चलना शुरू होगी। उस पर लाजम होगा कि वो ट्रांसपोर्टर सिंध हुकूमत की जो जारी करदा एस ओ पी है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने शहरों से बाहर खासतौर पर लारी अड्डे कायम किए, वहाँ से बस सर्विस शुरू होगी। बस सर्विस को कतई तौर पर शहरों के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कम मुसाफर यानी बस के अंदर 3 फुट का फासला रखा जाएगा और मुसाफर खासतौर पर मास्क पहनने के पाबंद होंगे। इसके साथ साथ मुसाफर गाड़ियों में सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्टर तंजीमों से इत्तफाक करने के बाद में ये बात तौर पर ठीक है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आजाद।